हे फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, एप्पल अपना एक सस्ता आईफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम आईफोन SE 2 या फिर आईफोन 9 हो सकता है। वहीं गूगल भी अपना एक सस्ता फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम गूगल पिक्सल 4a होगा। तो दोस्तों, आज हम दोनों ही फ़ोन को कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से, जानेंगे कौन सा फ़ोन बेटर है और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यार दिखाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हनी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी लीक्स के अनुसार बताऊंगा, अभी ऑफिशियल जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, चलिए दोनों फ़ोन को हम स्पेक्स के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, गूगल पिक्सल 4a में आपको 5.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा पंच होल वाला। वहीं आपको आईफोन 9 में 5.5 इंच का बेजल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसा आपको पहले फ़ोन मिलता था बेजल के साथ में वैसा ही। और दोस्तों, सिर्फ HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, गूगल पिक्सल का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर हो रहा है। और दोस्तों, दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, दोनों फ़ोन में आपको एक ही कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा गूगल का फ़ोन ज़्यादा अच्छा फ़ोटो लेता है, ऐसा नहीं है एप्पल बेकार फ़ोटो लेता है। एप्पल का फ़ोन भी ज़्यादा अच्छा फ़ोटो ले लेता है, मगर फिर भी उस एप्पल के फ़ोन से अच्छा गूगल का फ़ोन फ़ोटोज़ ले लेता है एक कैमरा से, आपने देखा ही होगा पहले भी। तो यहाँ भी गूगल पिक्सल ज़्यादा बेटर दिख रहा है हमें। और अब बारी आती है दोस्तों प्रोसेसर की। तो दोस्तों, गूगल पिक्सल 4a में आपको स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 730G नहीं दोस्तों, सिर्फ 730। वहीं दोस्तों, एप्पल आईफोन 9 में आपको एप्पल की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर बायोनिक 813 देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि बायोनिक 813 ही जीतने वाला, क्योंकि उसका कंपेयर हम स्नैपड्रैगन 865 से भी कर सकते हैं, तो कम नहीं होने वाला है। और दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। आईफोन में आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा टच ID, वहीं गूगल पिक्सल 4a में आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। और दोनों ही फ़ोन में दोस्तों, आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। गूगल पिक्सल 4a में आपको दोस्तों एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, वहीं आपको आईफोन में सबसे लेटेस्ट iOS देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन वगैरह सब जान गए, वीडियो को पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे दोनों में से। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो दोस्तों, अगर आपको डिस्प्ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉडर्न फ़ोन हो या ना हो, आज के समय के जैसा फ़ोन दिखे या नहीं दिखे, आप बस स्टेटस के लिए वो आईफोन का लोगो, एप्पल वाला लोगो बाइट किया हुआ दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो दोस्तों सिंपल आप आईफोन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, दोनों फ़ोन का प्राइस आपको 40,000 रुपये ही देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप आईफोन खरीद लें। और दोस्तों, आईफोन खरीद के भी आप कोई बेकार फ़ोन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको उसमें एप्पल की तरफ से आने वाला A13 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर वाइज तो दोस्तों वो फ़ोन बहुत बेस्ट होने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहते हैं और फुल मतलब आपको सब कुछ फ़ोन में देखने को मिल जाए, वो मॉडर्न फ़ोन दिखे और ठीक ठाक प्रोसेसर वाला फ़ोन हो, अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सके, तो दोस्तों आपको गूगल पिक्सल 4a की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, सिंपल सा बात है, अगर आप एप्पल फ़ैन है तो एप्पल का फ़ोन ले, एंड्रॉयड फ़ैन है तो एंड्रॉयड का फ़ोन ले, और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो एप्पल का फ़ोन ले, डिस्प्ले वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो दोस्तों, मैं सिंपल सा बात है, मुझे डिस्प्ले मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो मैं गूगल पिक्सल 4a ही लूँगा। कैमरा भी मुझे बेटर मिल जाएगा, प्रोसेसर भी उसका ख़राब नहीं है दोस्तों। तो मैं अपनी ओपिनियन में गूगल पिक्सल 4a की तरफ जाऊँगा। अगर डिस्प्ले उसका फुल HD प्लस नहीं है आईफोन में, तो मैं गूगल पिक्सल 4a की तरफ ही जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बता रहा हूँ। दोस्तों, आपका चैनल से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे, और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।